इनका नाम लक्ष्मी वेंकटेश है और ये है शॉर्ट एंड स्वीट लक्ष्मी। न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले करोड़पतियों में से इनकी फैमिली भी एक है। इनकी उम्र पे मत जाइए, इनका प्यार अब भी जवान है। साड़ी नहीं है क्या? क्यों जी, अच्छी नहीं है क्या? मेरी लक्ष्मी से अच्छी कोई भी चीज नहीं। इसी अच्छाई पर वेंकटेश मर मिटा था। बातें करना तो कोई आपसे सीखे। जिस दिन आपने मुझे मंगलसूत्र पहनाया उस दिन मैं आपकी हो गई, और तब से मेरी ये जिंदगी टाय पहनाते हुए ही गुजर रही है। पर तुम मुझसे सर उठाकर बात कर रही हो और मैं तुमसे सर झुकाकर बात कर रहा हूँ। अब आप थोड़ा चुप रहेंगे तो मैं अपना काम पूरा करके यहाँ से चली जाऊंगी। पर पहले उसके लिए हमें दरवाजा बंद करना पड़ेगा। कहो तो बंद कर दूं? मैं तो सिर्फ टाय बांधने के बारे में कह रही हूँ। आप थोड़ा पीछे हटेंगे। लक्ष्मी, कितनी अजीब बात है ना। कौन सी बात? सुबह पत्नी पति के कपड़े अलमारी से निकालती है, लेकिन जब रात होती है तो। इनका नाम है संतोष आनंद और ये है उनकी पत्नी सौम्या। पत्नी की हाइट की बराबरी करने के लिए इन्हें स्टूल यूज करना पड़ता है। इन दोनों के नाम का इनके कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं, फिर भी ये एक आदर्श कपल है। आपको तो टाई बांधना भी नहीं आता, न्यूयॉर्क में आकर कैसे पैसे कमा रहे हो मेरी तो समझ ही नहीं आता। अच्छा, तुम्हारा नाम छुटकी किसने रखा है? वैसे आपका नाम भी तो संतोष आनंद है ना, एक दिन संतोष मिला ना ही आनंद। संतोष को पाने के लिए सब्र रखना पड़ेगा। जानती हूँ मैं, रात को छुटकी के बिना रह नहीं पाते और सुबह होते ही परेशान करते हो, इसीलिए बड़े लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि मर्दों का प्यार इलेक्ट्रिक करंट की तरह होता है, वो कब आएगा कब जाएगा उसे खुद भी नहीं पता होता। औरतों की बात ही ऐसी होती है, छोटी से छोटी बातों के लिए झगड़ा करने पे आ जाती हो। क्या कहा? अरे मारना चाहती हो क्या? क्या फायदा, ये काम अगर शादी के दिन ही कर देती तो आज मैं बिल्कुल आजाद होती। अरे रे रे रे, तुम्हारे पिता अगर तुमसे शादी नहीं करता तो जेल में डाल देते, तो डर से शादी कर ली, लेकिन आज तक जेल के कैदी की तरह ही जी रहा हूँ। ये क्या है विनी, मेडिटेशन करने की उम्र में तू मेरे हाथों से मैथमेटिक्स करवा रहा है? इनका नाम है कस्तूरी, लक्ष्मी वेंकटेश की माँ, और इस बच्चे का नाम विनी, संतोष आनंद का बेटा। इनका नाम कुमार स्वामी, रिश्ते में लक्ष्मी वेंकटेश के पिताजी और कस्तूरी जी के पति। कस्तूरी जी को खाना पकाना आता है मगर पकाती कभी नहीं। इनको पकाना नहीं आता मगर पकाए बिना नहीं रह सकते। और इनका नाम है राहुल, लक्ष्मी वेंकटेश के दूसरे बेटे। राहुल, जरा यहाँ आओ। यस दादाजी। इसे टेस्ट करो। ये क्या है दादाजी? इसे मैंने चिकन चिकागो नाम दिया है। अब तुम इसे टेस्ट करने के बाद चाहो तो नाम बदल सकते हो। चिकन चिकागो? दादाजी आप इसके पहले भी मुझे मटन मैनहट्टन खिला चुके हैं, अभी भी पेट मैं कर रहा है दादाजी। वो क्यों? उसके साथ तुम्हें $500 भी दिया था ना, वो नहीं दिखा? इसीलिए तो आप बहुत ब्रिलियंट हो ना दादाजी, आप करेंसी दिखाकर करी खिलाते हो। नमक सही डाला है ना? मसाला और तीखा? क्या हुआ, तीखा ज्यादा हो गया है क्या? ये मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ दादाजी, दादी चिल्ला रही है। माँ क्या हुआ, क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ, क्या हुआ माँ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? माँ को क्या हुआ? बोलो कुछ, ये तो क्या? अरे पानी क्यों, थोड़ा गंगा जल ले आओ, मैं मरी नहीं हूँ, वहाँ देखो। और ये हैं वेंकटेश, विक्की वेंकटेश, लक्ष्मी वेंकटेश के बड़े बेटे। दुनिया में मुसीबत किस चिड़िया का नाम है इन्हें उसका अंदाजा भी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ भी हो इनके आसपास भी नहीं भटकती, मगर ये प्रॉब्लम को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। That's Vicky Venkatesh standing on top of the car 200 feet above the ground. Will he be able to get the green flag inside the car in 60 seconds without falling? Let's wait and watch. Vicky! 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 Vicky!
58 seconds. माँ जी वो आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ हेलो वेयर आर यू। ओ ऐसा ऐसा ही होना चाहिए। ये घर है या फिर टेलीफोन एक्सचेंज का ऑफिस? सारे के सारे लोग एक साथ फोन पर बिजी हैं। हाँ डैड देखो सतीश, मैं पहले ही तुम्हें दो बार समझा चुका हूँ, लेकिन हर बार तुम वही गलती दोहराते हो। मुझे समझ क्या रखा है? फूल जो आप नहीं हो। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। अंकल देखो, मेरे भैया ने एक बार कह दिया तो कह दिया, वो जजमेंट के जैसा होता है, वो नहीं बदलेगा। हम लोग भी उनकी बात मानते हैं, अगर तुमने नहीं मानी तो यू हैव टू पे फॉर दिस। यस। ये क्या है, सारे के सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हैं। हाँ वो मम्मी, ये क्या कॉल सेंटर के एम्प्लॉइज की तरह सारे लोग फोन पे बातें कर रहे हैं? फोन पे बात करी हो, दिखाई नहीं दे रहा? डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है तुझमें? ए सारो, तेरी उम्र बढ़ रही है फिर भी जरा भी जिम्मेदार नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? सबको एक ही बीमारी लग गई है। नो नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यू टू सॉरी, लेकिन क्या करूं? आपका नाम कुमार स्वामी है क्या? बेटा सुनो, मैंने तो पूरी कोशिश की। एहसास तो हुआ ना? गलती का एहसास है मुझे, तुम्हें बचाने के लिए मैंने जी जान से कोशिश की, लेकिन कोई आइडिया ही नहीं आया। बट गिव अप नहीं किया। आई एम स्टिल इन अ थिंकिंग मूड माय बॉय। दादाजी सारे प्रॉब्लम च्युइंगम की तरह हैं, एक बार में चबा के फेंक दूंगा, नो प्रॉब्लम। सी हेलो बॉस, तुम्हारी वजह से ही मैं आज अपने घर में विलन बन गया हूँ। वो कोई तो अमेरिकन इंडियंस को शेमलेस यूजलेस कह रहा था, उसी वजह से गुरु तुमने उसे सबक सिखाने को कहा, इसलिए मैं ओपन चैलेंज लेकर उस टास्क में जीत गया, बट मेरे घर में मैं हार गया। देखो गुरु, इस ओल्ड जनरेशन को अपने देश की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं है। हम खामखा परेशान हो रहे हैं और वहां बड़े लोग कुछ भी बोलो तो चुपचाप सुन लेते हैं, और थोड़े बड़े लोग स्पेशली दादा की उम्र वाले लोग, अरे वो लोग तो फीलिंग लाने के बहाने पीने लग जाते हैं। हाँ ये क्या कह रहा है, ये तो मुझे ही फंसाने को देख रहा है। हेलो माय ग्रैंडसन, तूने ये काम अपने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए किया क्या? आपकी भी इज्जत बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाया। मैं समझ गया, मैंने कहा था ना, मेरा पोता बिना किसी जरूरी वजह के कोई रिस्क नहीं लेता। लेकिन किसी ने सुनी मेरी बात, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। वेल डन विक्की। थैंक यू। सॉरी माय सॉरी बेटा, इट्स ओके। सॉरी यार, यू नो ये भाषा और देश का मान सम्मान हम बचाते रहे। सही कहा सही कहा। ए रुको जरा, मैं नजर उतारती हूँ। सॉरी बेटा, विक्की तुम सुपर हो। थैंक यू ब्रदर, सुपर परफॉर्मेंस था। थैंक यू। डैड आप मेरे कमरे में, वेलकम टू माय वर्ल्ड। डोंट एक्ट स्मार्ट सनी, सबको तुम बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं, बिकॉज आई एम योर डैड। दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग बैड। ये बताओ, दो साल पहले तुम एडवेंचर शो में गए थे, तुमने कहा बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी। लास्ट ईयर तुम गए टू शो माई कैपेसिटी, ये कहा। इस बार क्या कहोगे? Winning is my specialty. Oh, that's good. वैसे future plan क्या है? Nothing. What nothing? Dad, आगे क्या होगा ये नहीं सोचना चाहिए. What has to happen will happen. Life में किसी ना किसी चीज पर focus तो होना चाहिए. जिंदगी में लक्ष्य जरूरी है, लक्ष्य के लिए रास्ता जरूरी है. Of course. देखिए risk को, challenge को face करना मेरी इच्छा है, और उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ. माइंड बॉडी हमेशा शार्प रहेगी। गुड, बट वन थिंग, उठो तो पेड़ की तरह तन कर खड़े हो, और गिरो तो दोबारा अंकुर की तरह उठ खड़े हो। ओ, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके मुझे कंफ्यूज मत कीजिए डैड। यू नो व्हाट, आपके दिल की बातें मैं जानता हूं। आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, डोंट वरी। बी केयरफुल सनी डैड।
कब आई? अरे तुमने कहा क्यों नहीं? एक फोन तो करना चाहिए था, मैं एयरपोर्ट आके तुम्हें पिक कर लेता। घर में सभी लोग ठीक है ना? और तुम बचपन में जैसे अपना नाक खुजाती थी वो अब छोड़ दिया है ना? आप कौन? मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे इतनी जल्दी भूल गई? सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बट आप तो इंडियन लग रहे हैं। रशियन हूँ। ए, इंडियन ही हूँ। ओके, एक छोटा सा क्लू देता हूँ। मैसूर, महाजन्स कॉलेज, तुम आगे की बेंच पर थी और पीछे की बेंच पर मैं था। कभी कभी बुला बुला कर तुम्हारा पेपर कॉपी करता था। हाँ? अब कुछ याद आया क्या? दिस इज रिडिक्युलस। ओके, तुम एक लास्ट क्लू देता हूँ। तब भी अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। ओके, जुलाई 6 तुम्हारा बर्थडे था, मैं तुम्हारे घर आया था, वहां पर केक कट किया, वहां तुम्हारे सभी घर वाले थे। हाँ? मैं तुम्हें सबसे छुपाकर साइड में ले गया। वी हैड अ पार्टी एंड मेरा बर्थडे मेरे क्लोज फ्रेंड्स के अलावा और किसी को नहीं पता। अभी तो मालूम पड़ गया होगा ना? ओह गॉड, आई गॉट टू गेट टू एडिसन इन 30 मिनट्स। एडिसन? इम्पॉसिबल। तुम्हें अगर एडिसन जाना है तो सिर्फ दो ही लोग ले जा सकते हैं। वन इज जीसस, बिकॉज़ जीसस नेवर फेल्स, यू नो। मगर वो तो अभी यहां आ ही नहीं सकते। हां, दूसरा कौन? प्लीज। कौन सी कंपनी में जा रही हो? आर्टिक फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स? मगर कपड़े तो तुमने किसी क्लासिकल डांसर की तरह पहने हुए हैं। क्या कहा? नहीं, बादाम का दूध जैसे बार में सूट नहीं करेगा, वैसे ड्रेस सूट नहीं कर रहा। क्यों, ये अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, अच्छा तो है, लेकिन तुम जिस काम के लिए जा रही हो वहाँ मैच नहीं करेगा। हम चाहे जहाँ भी रहे, हमें अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें मैं एक बात बताऊँ? ओलंपिक्स में गेम शुरू होने से पहले सारे लोग अपने देश का ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर मार्च करते हैं। कंपटीशन के लिए देखें तो कोई भी साड़ी पहनकर जंप नहीं करता। अंजू बॉबी जॉर्ज इंडियन होकर भी शॉर्ट्स पहनकर जंप करती हैं। नहीं, मैं तुम्हें शॉर्ट्स पहनकर जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा था। यू नो, ये कॉम्पिटिशन वर्ल्ड है, यू हैव टू कम्पीट विद पीपल। जिस भी देश में जाते हो वहीं की तरह जीना है, बस दिल इंडियन होना चाहिए। देखो, हम तुम्हारे एड्रेस पर पहुंच गए, अभी भी तुम्हारे पास 2 मिनट बाकी है। थैंक यू सो मच। वेलकम। बाय प्रमिला। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। गए नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं? वेटिंग। एक और हेल्प करनी है तुम्हारी। तुम्हारा फोन कार में भूल गई थी। थैंक्स। बार बार ये थैंक्स मत कहो, मीनिंग अलग हो जाता है। क्या मीनिंग है? टाइम आने दो, बता दूंगा। चलो बैठ जाओ, ड्रॉप कर देता हूँ। प्रमिला, देखो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। काम को हासिल करना है तो सिर्फ टैलेंट ही नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। You mean over confidence? No, no, self confidence. अब जब भी इंटरव्यू में जाओगी तो तुम्हें उनकी जरूरत से ज्यादा उन्हें तुम्हारी जरूरत है, ऐसा उन्हें फील कराना। सिंपल। सो कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बुरा ना माना तो सीधी बनकर हो गए, मूड कुछ ठीक नहीं। ये सीडी नहीं है, एफएम रेडियो है। देखो,
ये अपनी लाइफ, ये मन बिल्कुल एफएम रेडियो की तरह है। रेडियो पर जिस तरह हम चैनल्स चेंज करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन के मूड को भी चेंज करना चाहिए। ये सब अपने ही हाथों में होता है। हमें अगर हैप्पी रहना है तो हमें हैप्पी वाला चैनल लगाना चाहिए। मुझे देख लो, सैड चैनल नहीं लगाता, सो आई एम ऑलवेज हैप्पी। सी, उस रेस्टोरेंट के पास रोकोगे? खुद ही सोचो, तुम मुस्कुराई और तुम्हारा मन किया कि हम रेस्टोरेंट में चलते हैं, कॉफी पीकर रिलैक्स हो जाते हैं। ये रेस्टोरेंट मेरी आंटी का है। ओह, आई सी। ओके, हम फिर मिलेंगे। वही, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझे फिर थैंक्स कहोगी एंड उस थैंक्स का रियल मीनिंग बताऊंगा। ओके, बाय बाय। बाय। क्या है ये? पालक पनीर मैडम। इसमें नमक कम है, जरा शेफ मूर्ति को बता देना। ठीक है मैडम। ये मल्लिका आंटी की नाक है कि क्या है? सूंघकर नमक कम है ये भी बता देती है। आंटी! Congratulations, Pramila. Why? You got your job, right? No. Then, why you look so happy? आंटी, आज मुझे एक बहुत बढ़िया इंसान मिला। अरे वाह रे वाह, गए थे इंटरव्यू के लिए, इंट्रोडक्शन करके आ गई, इंटरेस्टिंग। ओहो, ये तो हॉट एंड स्पाइसी न्यूज़ है। या आप भी ना, नॉट फेयर। डैडी कहाँ? उधर देखो, वो यहीं आ रहा है। हाय बेबी। हाय डैड। जिस काम के लिए गई थी वो हुआ? ओहो डैड, यहाँ नौकरी मिलने के लिए सिर्फ टैलेंट ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देख रहे हो, आज मेरी बेटी कुछ अलग ढंग से बात कर रही है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। दैट्स ग्रेट बेटा, आज तुम्हें एक नई तरह की एनर्जी दिख रही है। कीप इट अप। और ये एनर्जी मेरे बनाए खाने से आई है। हमारी 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 प्रमिला, ये लो गर्मा गर्म जलेबी। जलेबी? हाँ। दैट इज न्यू ईयर फॉर नो रीजन। जलेबी खाने के लिए कोई रीजन की जरूरत होती है क्या? अरे बेबी, लाइफ इज लाइक जलेबी, दिखने में गोल गोल कंफ्यूजिंग लगती है, खाओ तो बहुत मीठी है, खाओ ना। खा कर देखो बेटा, बहुत बढ़िया है। थैंक्स अंकल। जलेबी और आपका एक्सप्लेनेशन दोनों बहुत अच्छा है। क्या हुआ दीदी? जिस काम के लिए गई थी वो हुआ बेटी? अपने डैडी को गुड न्यूज दी क्या? डैडी से ही मिलकर आ रही हूँ, वहाँ पर मल्लिका आंटी सबको रात के डिनर पर बुलाई हैं। नौकरी मिलने की खुशी में पार्टी दे रही हैं। मुझे नौकरी नहीं मिली। माँ क्यों दुखी हो रही हो? मुझे नौकरी नहीं मिली इसलिए, मुझे यकीन है कि उससे भी अच्छा काम मिलेगा मुझे। लाइफ एक रेडियो स्टेशन की तरह है, आप जो भी स्टेशन ट्यून इन करोगे वो वैसा ही सुनाई देगा। सो चेंज योर मूड, चेंज द स्टेशन। हेलो सॉरी। क्यों टैक्सी का वेट कर रही हो? ये नो स्टॉप जोन है, आ जाओ। कोई बात नहीं, कार तुम्हारा वजन उठाएगी, मैं नहीं, आ जाओ। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूं। आई एम जस्ट किडिंग। वैसे कहां जा रही हो पूछूं तो अपशकुन होगा ना? तुम इंटरव्यू के लिए ट्यूनिक कॉर्पोरेशन। ओके, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तुम यहाँ कब आई? 8 महीने हो। सो तुम न्यूयॉर्क आए 8 महीने हो गए। यहाँ रोकोगे 1 मिनट के लिए? लेकिन क्यों?
जरा मंदिर जाना है। इंटरव्यू यहाँ पर? रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन। विकी, तुम्हारे पास $1 है क्या? या श्योर, ये लो। थैंक्स। थैंक्स का मीनिंग बताऊं क्या? अभी नहीं, चलो चलते हैं। हेलो, तुमने जिस तरह भगवान को दक्षिणा दी, अगर नहीं दी होती तो क्या भगवान तुम्हें रिजेक्ट कर देते? नहीं, क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहा हूँ बस। आपको कौन सा कलर पसंद है? व्हाइट। व्हाई नॉट ब्लैक? नहीं पता। उसी तरह जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो भगवान को पसंद है, जैसे कि 11, 21, 31, 41, 51, 101। लगता है उसी तरह इंसान को 111 बहुत पसंद है। ओके, वी आर गेटिंग लेट, कम ऑन। ओके, मेरी ड्रेस कैसी लगी तुम्हें? गुड, नॉट बैड, सब ओके है, लेकिन एक्स्ट्रा पीस, ये दुपट्टा किस लिए? ये दुपट्टा इसे छोड़ने के लिए दिल नहीं मानता। ओह, सर विश्व शरैया की तरह। वो भी तो कोट सूट पैंट पहनते ही थे, लेकिन सर पर मैसूरी टोपी नहीं भूलते थे, तुम्हारी तरह। गुड। प्रमिला, गुड लक एंड बी कॉन्फिडेंट। श्योर, इस बार मैं कुछ नहीं भूली हूँ, आप जा सकते हैं। एंड बात करते वक्त आई टू आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब नौकरी मिल गई। भगवान को पैसे दो तो काम मिलता है, ये पता चल गया। तो पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं ना? मतलब? मतलब ये कि नौकरी मिलने के लिए टैलेंट कॉन्फिडेंस की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? पैसा इम्पोर्टेंट है। एनीवे, कांग्रेचुलेशन फॉर योर जॉब। थैंक यू। हे, ट्रीट कब दोगी? लेकिन मेरे पास तो सिर्फ $100 हैं। उसमें से घर के लिए मिठाई लेके जानी है। आपका $1 देना है, उसके बाद सिर्फ $15 या $20 बचेंगे। अरे कोई बात नहीं, 5 लोग मिलकर प्रसाद की तरह खा लेंगे। बाकी 3 कौन? तुम तो यहीं पर पैदा हुए हो, फिर सिर्फ 3 दोस्त क्यों हैं? और वो भी सारे के सारे इंडियन हैं। हे, इस शहर में दोस्तों की कमी नहीं है, आने जाने वाले सभी हाय बाय करते रहते हैं, उन्हीं में से आंखों को पसंद आने वाले कुछ ही होते हैं। बातें करने के लिए थोड़े लोग, मगर दिल ने पसंद किया ये इन 3 लोगों को। देखो, अगर देश है तो भारत है, राज्य है तो दिल्ली है, भाषा है तो हिंदी है, सो हिंदी बोलने वाले जल्दी घुल मिल जाते हैं। न्यूयॉर्क में रहकर भी तुम ऐसी बातें करते हो। कोई अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहता है तो अपने संस्कार थोड़ी छोड़ता है, दिल में तो भारत ही बसा है। हाय, आई एम श्वेता गौड़ा, कन्नड़ा आरजे फ्रॉम रेडियो मिर्ची। देखो, ये भी भारतीय है, इसे देखकर तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं। रवि का आना सिर्फ कवि को ही पता चलता है, मगर मेरे हिसाब से जो कवि को नहीं दिखता वो हम भारतीयों को दिखता है। क्यों पता है? क्योंकि भारतीय हर शहर में रहते हैं। व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम भास्कर है, पर ये लोग प्यार से मुझे बाजू बुलाते हैं। सब लोग मतलब पूरा न्यूयॉर्क? आई विश, बट मेरे क्लोज फ्रेंड्स। योर फेवरेट हीरो? ब्रैड पिट। विलन? मिस्टर नंजुन स्वामी। नहीं पहचानती,
मेरे डैड क्या बोल रहे हैं? कुछ भी करूं, कुछ भी बोलूं, वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं, नो। ओके, योर नेम? पप्पू, पवन प्रचारल। एंड योर फेवरेट स्पोर्ट? द ग्रेट इंडियन कबड्डी, क्वार्टरबैक। और एजुकेशन में भी ये फुल बैक है। ओह, वेरी बोरिंग क्वेश्चंस। ये सभी लोग 16 साल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। Why don't you ask about that? Oh, really? Yeah. Okay. आपका नाम? Vicky Venkatesh. तो आप सब लोग 16 सालों से friends हैं? ये कैसे मुमकिन है? Beginning में friendship को एक opportunity चाहिए। उसके बाद वो responsibility बनेगी। And friends होते हैं तो गिरने पर वो lift भी करा देते हैं। God's gift. To multiply your joy and divide your sorrows. So sweet. You're so awesome, Vicky. Sorry, मुझे जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? वो कुछ shopping करनी है। Okay. Some crazy lady. May I help you? How much does this cost? It's expensive. How much? It's very expensive. There is $1 shop across the road. You should go there. Girl. इतनी सी बात पर कोई रोता है क्या? ऐसा है तो तुम इस न्यूयॉर्क सिटी में कैसे जियोगी प्रमिला? च्युइंगम की तरह चबाकर फेंकने वाले प्रॉब्लम को गले का हार बनाकर रखोगी तो कैसे चलेगा? देखो, उन लोगों ने तुम्हें एक हेल्पलेस इंडियन की तरह देखा है, अब तुम भी एक पावरफुल इंडियन हो, ऐसा उन्हें प्रूव कर दो। इंडिया में फायर ब्रांड लेडी कितनी है, उनमें से किसी एक को याद करो। अरे याद करो ना, सोनिया, माया, सुषमा, जया, ममता, प्रमिला। एक्सक्यूज मी, कुड यू शो मी सम न्यू थिंग्स? आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स वेरी एक्सपेंसिव शॉप। व्हाट, कम अगेन? It's very expensive shop. So this is how you treat your customers, is it? Hmm. You know what? You're getting paid for this job. This is your duty. And customers are like God, so you got to treat them like that. If you don't get me into that section, this is gonna be a big thing. It's gonna be in the press. Got it? So get there. Wait a minute. You know what? What? I don't wanna buy anything from this shop. It's not worth. Good. Yes. I like that. Thank you, Vicky. Thank you so much. Thanks मत बोलो, उसकी दूसरी मीनिंग है। टाइम आने पे बताऊंगा। चलो चलते हैं। ये तो बहुत ऊंचा है। ओह, मुझसे नहीं होगा बाबा, बहुत मुश्किल है। I can't do this. No. प्रमिला, No. डरो मत। No. इंडोर में जो किया है उसे आउटडोर में भी करना चाहिए। It's too simple. No, Vicky, come on. I can't do you can this. Do this. Are you sure we'll be able to do this? मैं तो definitely करूँगा, साथ में तुम भी करो। Don't worry. Okay? All set. I'm too scared, Vicky. हो गया ना, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप वहां। कम,
Oh God. Say you love me. What? Say you love me. मैं यहाँ गिर रही हूँ तो Vicky, please help me. Love करती हो ये कह दो. मैं help करता हूँ. Come on, say I love you. तुम्हारे बोलने तक मैं help नहीं करूँगा. Vicky, come on, please help me. I love you. Vicky, please. Vicky, please, Vicky. It's just three simple words. I love you. Oh God. I'm so sorry, Pramila. How can you do this to me? तुम बहुत बुरे हो. Actually, मेरा आइडिया वो नहीं था. तुम्हारी अंदर की एनर्जी को ट्रिगर करने के लिए मैंने ऐसा कहा था. Oh please, don't try to convince. No, not at all. देखो, मैंने ऐसे कहा तो तुम मेरी मदद के बिना खुद ही ऊपर आ गई ना. Okay, I'm really sorry. चाहो तो तुम मुझे कोई पनिशमेंट दे दो. मैं रेडी हूँ. Please. Vicky. देखो, तुम एक इंडियन होकर भी दूसरे इंडियन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती ही नहीं हो. मंदोदरी की तरह रहने वाली को मायावती बनाकर मैंने गलती कर दी. प्रमिला, तुम्हें मेरी कार बड़ी पसंद है ना, तो चलाओगी क्या? Listen, listen, stop, stop! Oh, 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 oh! Hey, Pramila, are you okay? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? Sorry. Okay, okay, चलेगा, कोई बात नहीं. Oh my God, बहुत चोट लगी है क्या? Vicky, I'm sorry. No, 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 don't worry, take it easy. संभल के. रुको, रुको. सॉरी विकी. ये सॉरी मिलाकर 35 बार बोल चुकी हो. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. अरे 36 बार. जो नहीं बोलना चाहिए उसे 36 बार बोल दिया. जो बोलना चाहिए उसे तुमने एक बार भी नहीं कहा. क्या बोलूं? आई लव यू बोलूं? एनीवे, थैंक यू फॉर केयरिंग. ओहो, बार-बार थैंक्स मत बोलो, उसकी मीनिंग अलग हो जाती है. हां, क्या मीनिंग है? थैंक्स का मतलब 10 हग्स एंड 9 किसेस शेयर. हां? क्या हो गया? बाकी लोगों को कितनी बार कह चुकी हो तुम? ऐसा है तो अब से किसी को थैंक्स नहीं बोलूंगी. ओके, एनीवे, और थोड़ी देर यहाँ रुकी तो अमेरिकन भालू आ जाएगा. 5 किलोमीटर बाकी है, उसके लिए तो तुम्हें थैंक्स कहना ही. रुको. विक्की, मुझे बहुत भूख लग रही है. एक काम करो, जुबान को बाहर रखो. What? जुबान को बाहर रखो. मक्खी मच्छर आकर जुबान पे बैठेंगे, उन्हें खा लो. Ew, Vicky. Ew. Okay, stop, Vicky. Come on. Okay. ये तुम्हारे लिए सूप है, मैन डिश है, स्वीट डिश है, खा लो. Very impressive, huh? नहीं चाहिए तो बोलो, वही मक्खी मच्छर खा लो, मैं इसे खा लेता हूँ.
How do you eat? हाथ से या डायरेक्ट मुंह में, तुम्हारी मर्जी। थ्री कोर्स मील कैसा था? सूप में नमक थोड़ा ज्यादा था। मेन कोर्स में स्वीट थोड़ा ज्यादा था। और स्वीट डिश में तीखा थोड़ा ज्यादा था। बैड जोक। विकी, एक बात पूछनी थी। बात होती है पूछने के लिए, पूछो ना। तुम हमेशा इसी तरह इमरजेंसी के लिए तैयार रहते हो क्या? मेरी लाइफस्टाइल इसी तरह की है, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। मैं कल कहाँ पर रहूंगा ये सिर्फ भगवान जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता होता है। स्पेशली तुम जैसी नौटंकी अगर साथ हो तो। हाँ? विकी, why can't you just be normal like everyone else? हाँ? I mean, इस तरह से दौड़ना, भागना, पहाड़ चढ़ना, ऊपर प्लेन से कूद पड़ना, it's terrible. Does it make any sense? तो फिर और क्या करूं? सब की तरह कॉलेज कंप्लीट करके, एक नौकरी ढूंढकर, पैसों के पीछे भागकर, एक शादी करके, बच्चे पैदा करके, उनकी लाइफ सेटल करने के लिए 70-80 साल गंवाकर मैं रिटायर हो जाऊं? उफ, ये सब सुनता भी हो तो बड़ा मैकेनिकल लगता है। नेवर, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लाइफ में स्पीड होनी चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए, पंछियों की तरह फ्रीली उड़ना चाहिए। आई डोंट लाइक एनीबडी होल्डिंग मी बैक। जिंदगी में पागलपन रहना चाहिए, आई मीन मैडनेस, नॉट मोनोटोनस। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, तुम गिरो, गिरना गलत बात नहीं है, लेकिन गिरने के बाद वापस उठ खड़ा होना इंसान की सच्ची क्वालिटी है। ही इज द रियल मैन। मैं बार बार गिर के उठता रहता हूं, एंड आई डोंट वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू बी अलाइव। जिंदगी को ऐसे ही नहीं जीना चाहिए, आने वाले हर एक पल का मजा लेना चाहिए। लेकिन मैं ये सब तुमसे क्यों कह रहा हूं? छे, मेरे लाइफ में ये सब मैंने किसी के साथ भी डिस्कस नहीं किया। मेरी बातें सुनकर तुम्हें मेरे साथ रहने का मन कर रहा है ना? ऐसा ही फील कर रही हो ना? बोलो ना। अरे बोलो। बोलो ना। Put this on me this time, okay? Okay. Thank you. Thanks. Maggie magic. Drinks for everybody and pina colada for the lady. Oye, मैं तुझे दिखा नहीं दी? हाँ? तुम? Oh shit. हाँ? Shit बोल रहा है, बाथरूम जाना है क्या? Bro, it's Leela. Oh shit. Oh god. Hey, do you know where Vicky is? I don't know. Hey, excuse me. कौन है वो? वो लैला है। 6 महीनों से मेरे पीछे पड़ी है। Such a pain. दिखने में तो अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है, आंखों को अच्छी लगती है लेकिन दिल नहीं मानता। अगर दिल को पसंद आए तो खूबसूरती कौन देखता है? Oh my God. Hmm?
Guess what? What? American Adventure Championship के लिए मुझे invitation आया है and we are going. Wow. Yes. Really awesome. Wow. Yes. कभी जाना है? Next week. Oh, wow. Okay. Yes. Pramila, you're coming along. तुम ही हमारे साथ आ रही हो. कौन मैं? हाँ. इस competition में. और क्या? Joke मार रहे हो क्या? Hey, Pramila. ये लड़की पागल है इसे मना करो. तुम खुद अपने talent के बारे में जानती नहीं हो. मैंने तो कल ही देखा है. You're capable, come man. On, come on. Pramila, do it. Yes. 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 You should come. You should go. Come on, Pramila. प्रमिला को व्हाइट कलर पसंद है, व्हाइट फ्लावर्स पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, बच्चे पसंद है और पुराने रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है. रविंद्रनाथ टैगोर भी पसंद है. किसी की इतनी सारी पसंद कैसे हो सकती है? हाँ? हे, क्या बकवास कर रही? This is too much. Surprise! Your favorite color? Your favorite flowers? Your favorite chocolates? क्या ये सब के सब white में? तुम्हारा favorite color, favorite flowers, favorite chocolates? देखो, अगर तुमने ये चॉकलेट्स खाए तो हमारे साथ ट्रिप पर चलना पड़ेगा. नहीं आना है तो मत खाओ. रविंद्रनाथ टैगोर जी की कसम खाकर कह रहा हूं, अगर तुमने ये चॉकलेट्स नहीं खाई तो इनका अपमान होगा. Now the excitement begins, where our competition... Excitement क्या होती है, ये अब शुरू होने वाला है. इस इवेंट में 3 दिनों में 3 rounds होंगे. उसमें 30 competitors होंगे. देखते हैं कौन जीतता है. तो इस राउंड में अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है. उन लोगों को इस हेलीकॉप्टर से बाहर आकर यहाँ जो दिख रहा है ना, इस लैडर में लगे हुए फ्लैग को निकाल कर बिना गिरे फिर से हेलीकॉप्टर के अंदर जाना होगा. साथ ही उसके टीममेट को भी इसी चीज को रिपीट करना होगा. देखो वहाँ एयर प्रेशर ज्यादा रहता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है. जस्ट ब्रीथ वेल, ओके? ऑल ऑन बोर्ड. प्रमिला, जस्ट बी रिलैक्स, कॉन्फिडेंस रखना, हाथ मिलाओ, ओके? Yeah. Cool. Yeah.
Now it's your turn. All the best. Okay? हिम्मत मत हारना. Don't worry. Everything will be fine. Okay? चल गया है वो है प्रमिला एंड विकी. आज दूसरा दिन है और आज दूसरा राउंड होने वाला है तो इंतजार किस बात का है. चलिए मेरे साथ. सारे कॉम्पिटिटर्स इस प्लेन के अंदर होंगे. उन लोगों को क्या करना होगा, उन्हें बाहर आकर इस रस्सी का इस्तेमाल करके वहां रखे हुए येलो फ्लैग को लेकर फिर प्लेन के अंदर आकर जो फ्लैग उन्होंने लाया है वो अपने पार्टनर को देना है. फिर उसके पार्टनर को प्लेन के बाहर आकर उसी जगह पर फिर से फ्लैग को क्लिप करना है, वो भी 30 सेकंड्स में. वैसे ये प्लेन 6000 फीट की ऊंचाई पर रहेगा और हाँ स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी. तो चलिए देखते हैं कौन जीतता है. जानते हैं ना वीकी और प्रमिला नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए हैं. ये इस कंपटीशन का आखिरी राउंड है. स्टीव और गैबी या विकी और प्रमिला, इनमें से जीत किसकी होगी. इस राउंड में दोनों टीम्स को 5000 फीट से प्लेन से नीचे कूदना होगा और उसके साथ पेंट बॉल गन से एक दूसरे को मारना होगा. जिसे सबसे कम लगेगा वही इस गेम का चैंपियन होगा. Thank you.
भगवान, ऊपर तो एक युद्ध शुरू हो गया है। मुझे लगता है दोनों टीम ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। इस डेयरडेविल चैलेंज में कौन जीतता है देखते रहिए। Just be relaxed. प्रमिला, are you all right? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? You know what? हम लोग इस चैंपियनशिप को जीत गए हैं। मैंने सब कुछ देखा है। क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? भले ही तू मुझे ना बताए, लेकिन तेरी आंखें तो सब कुछ बयां करती है। देखो बेटा, वो लड़का करोड़पति है और हम तो ठहरे मिडिल क्लास फैमिली के लोग, तुझे पता है ना? पर ये सब सोचकर, हिसाब किताब करके प्यार करो तो इसे प्यार थोड़ी ना कहेंगे। प्यार में हिसाब किताब नहीं होता आंटी। लेकिन जिंदगी तो ऐसे नहीं चलती आंटी। मेरी माँ से भी ज्यादा आप मेरी वेल विशर हो, गाइड, फिलोसोफर हो। अब मैं क्या करूँ आप ही बताइए। प्रमिला, हमारे इस सोसाइटी में प्यार की परिभाषा क्या है, किस तरह निभाते हैं और सच में वो प्यार है भी या नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं। मतलब वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, ये जानने की कोशिश करूं? क्या ये वाकई प्यार है भी या नहीं, ये तुम्हें पहले जानना होगा। सो आस्क योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट एंड देन फॉलो योर हार्ट। गॉट इट? भगवान, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक डॉलर चाहिए क्या? भगवान से विषम संख्या में पैसे डालकर ही कुछ मांगा जाता है क्या? नहीं,
$11 डालकर एक बार मांगने से अच्छा एक एक डॉलर डालकर 11 बार मांग सकते हैं ना। विकी, डोंट बी चीप। सॉरी। एनीवे, भगवान के पास तुमने क्या मांगा? एक अच्छा पति मांगा। तुमको मुझसे भी अच्छा पति चाहिए क्या? लड़कियां इस तरह की होती है, घर में फ्रिज होते हुए भी दुकान में जाकर कोल्ड वाटर मांगती है। प्रमिला, तुम सही कह रही थी, इस भगवान को दक्षिणा दो तो ही इच्छाएं पूरी होती हैं। क्यों, क्या हुआ? किसी ने $11 डालकर जरूर फ्री में वो रेड फरारी कार की मांग की होगी, और देखो मेरी कार ले जा रहा है। हा? मैं गॉड ब्लेस हिम। अब हम कैसे जाएंगे? 11 नंबर की बस, चलो। What's happening? What's the problem, man? Who is this nice girl? Just a friend of mine. Hey, just chill, okay? What's the problem? Just chill. Hey, listen to me. One second. Baby. Hey, take whatever you want and leave that girl, okay? Hey. I want her. Leave that girl and take whatever you want. Vicky. I said take whatever you want and leave that girl, okay? I like her. Hey, look. Kill him. I said leave that girl. Hey, don't scream. I will kill him. Now watch this. I love you very much. Vicky, I love you. I love you, Vicky. Vicky, I love you. Sorry, Vicky. What did you say? I love you. Sorry, Vicky. Sorry, Vicky. I love you, Vicky. Sorry, Vicky. The show is not over, baby. I'll show you more. What's the problem, man? Hey! Vicky! Vicky, I love you, Vicky. I love you. क्या हुआ तुम? Catch up! Hey! Hey! Leave her you alone. Come in with me. I'm telling you to leave her alone. Okay, baby. See what is wrong. Vicky. Just kill him. तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? आई एम फाइन विकी, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रमिला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
प्रमिला, मैं जो कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें कभी भी उस नजर से नहीं देखा। इनफैक्ट तुम हमेशा मेरे लिए एक अच्छी फ्रेंड रही हो। देखो मेरे साथ नंदिनी है, लेकिन उसके साथ भी मैं उतना ही क्लोज मूव करता हूं। बट दैट डजंट मीन इट्स लव। हम दोनों भी वैसे ही हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, इनफैक्ट गुड फ्रेंड्स। लव को फील करने के लिए दिल में भी चाहत होनी चाहिए। हम दोनों के बीच हुई बातचीत, मूवमेंट्स, उनमें तुम्हें प्यार नजर आया, तो वो मेरी गलती तो नहीं है ना? अगर मेरी किसी हरकत की वजह से तुम इस मुकाम पर पहुंची हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मैं ऐसे ही रहता हूं, सबके साथ ऐसे ही बिहेव करता हूं। विकी, सारी गलती मेरी है। न्यूयॉर्क सिटी में कैसे जीना है ये तुमने मुझे सिखाया, कॉन्फिडेंट बनाया, रॉक क्लाइंबिंग तक तुमने मुझे सिखाया, लेकिन प्यार को अपने आप सीखने की कोशिश की तो हार गई। प्रमिला प्लीज, लव में और फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा अंतर होता है। फ्रेंडशिप पर लव का लेवल लगाना मुझसे नहीं हो पाएगा। और उसी तरह प्यार को फ्रेंडशिप का लेबल लगाकर दिखावा करना मुझसे नहीं होगा। मैंने तुम्हें कभी भी उस नजर से नहीं देखा। हम दोनों भी वैसे ही हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हम दोनों के बीच हुई बातचीत, मूवमेंट्स, उनमें तुम्हें प्यार नजर आया, तो वो मेरी गलती तो नहीं है ना? लव में और फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा अंतर होता है। फ्रेंडशिप पर लव का लेवल लगाना मुझसे नहीं हो पाएगा। आंटी, हे स्वीटी, काम डाउन, स्टॉप क्राइंग, चुप हो जाओ। प्रमिला, हमें जो नहीं मिलता उसे याद करके रोने से अच्छा उसे भूल कर अपने दिल को हल्का करना ही बेहतर है बेटा। विकी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, पर उसे भूलना नहीं सीखा आंटी। काम डाउन, चुप हो जाओ। Mr. Vicky wants to meet you. Tell him I'm busy. Okay. Pramila? तुम अपना मोबाइल वहीं पर छोड़कर आ गई बेटा? विकी कॉल कर रहा है। जानती हूँ, इसलिए फोन साइलेंट पर रख दिया है। दिल को साइलेंट कर पाएगी? देखो प्रमिला, जिसे हम पसंद नहीं करते उसे जबरदस्ती बात नहीं कर सकते, बट जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं उन्हें भूलना नामुमकिन है। तुम्हें एक बात कहूं, प्यार भी एक तरह से युद्ध के जैसा है। स्टार्ट करना तो आसान है, लेकिन स्टॉप करना नामुमकिन है। मुझे भी स्टॉप करने का आइडिया नहीं है। क्या कहा? अभी भी तुम इस उम्मीद से जी रही हो कि वो तुमसे प्यार करेगा? मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन ये बात उसके दिल को अभी तक समझ में नहीं आई है आंटी।
इसीलिए तो वो मुझे बार बार फोन कर रहा है, मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा है। कैसे पता तुम्हें? जैसे आपको मेरे बारे में पता चला। तो फिर उससे मिल क्यों नहीं लेती? व्हाट प्रमिला, क्या हुआ है तुम्हें? फोन किया था, घर में भी आया था, ऑफिस भी गया था, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया तुमने। क्या हो क्या गया है तुम्हें? अपनी फोटो? सो व्हाट? तुम्हें अगर मुझसे प्यार होता तो ये फोटो मेरे लिए एक स्वीट मेमोरी होती, लेकिन जानते हो अब ये मेरे लिए नाइटमेयर बन चुका है। सेम पीपल, सेम फोटोग्राफ, बट डिफरेंट ओपिनियन। प्रमिला, हमने वहां पर कंपटीशन जीता था, उस खुशी में मैंने तुम्हें गले लगाकर किस किया। इट्स जस्ट जॉय एंड सेलिब्रेशन, जस्ट अ हग एंड किस। इसीलिए तो हम लाइफस्टाइल तो चेंज कर सकते हैं, पर संप्रदाय और संस्कृति को कभी बदल नहीं सकते, ना उनके बिना जी सकते हैं। एक लड़का और एक लड़की अगर साथ में घूमे तो उसे फ्रेंडशिप कह सकते हैं, लेकिन मुझ जैसे लोग उसे लव समझते हैं। हाँ? मैं एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इस फोटो के बाहर आने से मेरी ही नहीं, मेरी सिस्टर की शादी भी मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। ओह माय गॉड, इतने ये प्रमिला, उफ, यही है क्या तुम्हारी प्रॉब्लम? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं हूं ना, आई एम योर फ्रेंड, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ के दूंगा। ओके, तुम जैसा पसंद करती हो वैसा ही ढूंढूंगा। मुझे जो लड़का पसंद है वो तुम ही तो हो। एंड यू नो व्हाट, मुझसे भी अच्छा लड़का ढूंढ के दूंगा, आई प्रॉमिस। विक्की, कहते हैं खुशी में प्रॉमिसेस नहीं करने चाहिए। प्रमिला, दिस इज विकीज प्रॉमिस। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं ना, आगे आने वाले 45 डेज में मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ कर ही रहूंगा। ओके, एंड इट्स माय वर्ड। फोन आया। माँ, मम्मी, अमेरिका में तुम्हें इंपोर्ट करना चाहता था पर तुम मानी नहीं, और अब तुम चाहती हो तुम्हारी बहू को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करके इंडिया लेके आऊं। इस काम को पूरा करने के लिए मैं उसे पब, बार, क्लब सब जगह ढूंढ रहा हूँ। इतना ही नहीं, यहाँ के ब्रोकर से भी पूछ रखा है, लेकिन उन लोगों ने मेरी शक्ल देख के मुझे युगांडा, केन्या, अफ्रीका की लड़कियों को दिखा रहे हैं मॉम, लेकिन अब तक एक भी प्योर इंडियन लड़की को नहीं दिखाया। यस, देखा माँ, ये तुम्हारा बैड लक। आई कांट डू एनी। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। जब तक मेरे लिए एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढते, मैं तुम्हें सोने भी नहीं देने वाली। पसंद अपनी कर लो रे। देखा है जैसा हैंडसम, बोलो बोलो करो यारी हमसे रिश्तेदारी। एक्सक्यूज मी। नो मैडम, नो अंकल। लकी, आई एम लकी, I'm pure Indian from Mysore, मतलब आपके गांव वाला। हमारे गांव वाला? या मैडम, वरना प्रदेश में रह के भी ये हार्ट इस तरह से क्यों धड़क रहा है? संभल कर, ज्यादा हिले तो हार्ट बाहर आ जाएगा। नाइस जोक, कुछ नहीं कर सकता, ये हार्ट लड़की के लिए क्यों मचलता है ये हार्ट सर्जन भी नहीं बता सकते। हे कम ऑन, इट्स अ जोक। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा ज्यादा ही फ्रेंडली हो गया, सॉरी। हे, ऐसे क्या देख रही हो? हेलो, दिस इज अमेरिकन ट्रेन, बट आई एम प्योरली एवर ग्रीन इंडियन ब्रांड। यहां का ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं बदलते, लंदन वाले नहीं बदलते, लेकिन इंडिया वाले क्यों बदल जाते हैं? मतलब लगता है आपको ये ट्रेन पसंद नहीं आया। ओके,
I will change it. Yes. Anyway, आपसे मिलकर खुशी हुई. अच्छी बात है. मुझे एक बात समझ में नहीं आई. क्या? वही, जब तक आपको दुल्हा नहीं मिल जाता, आप एक लड़के को चैन से जीने नहीं दोगी. हाँ, मैं किसे कह रही थी? क्यों? उसे कह दीजिए कि आपको ये लकी मिल गया. हे, लकी होना चाहती हो तो ये लकी तुम्हारे लिए परफेक्ट है. मैं समझी नहीं. यस, प्यार में कुछ समझ में नहीं आता. प्यार? यस. होना चाहिए. नो प्रॉब्लम. प्यार की शुरुआत ऐसे छोटे मोटे झगड़ों से ही होती है. माँ, आपको अमेरिका वाली इंडियन बहू मिल गई. ये सपना नहीं है विकी. ओह माय गॉड. ओह शिट. व्हाट्स दैट? व्हाट इज व्हाट? दैट. ओह शिट. शिट. व्हाट आर यू डूइंग हियर? इतनी सुबह सुबह मेरे रूम में क्या कर रही हो? लड़का ढूंढ रही हूँ. यहाँ पर? बिल्कुल. तुमने ही तो कल कहा था कि 45 डेज में मेरे लिए लड़का ढूंढोगे और टिश्यू पेपर पर अग्रीमेंट भी बना लिया था. और अब तक सो रहे हो? लड़का चाहिए मुझे. मेरे रूम में? Have you gone mad? Not yet. तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? पागल पागल हो गई हो क्या तुम? पानी में क्या कर रही हो? यहाँ मंगलसूत्र की बात कर रही हो? चली जाओ. हेलो. हाय विकी. हाय प्रमिला. व्हाट आर यू डूइंग? आई एम ऑन द जॉब. तो लड़का मिला या नहीं? अरे मैं वही ड्यूटी कर रहा हूँ. कहाँ तक पहुँचे? ऑलमोस्ट हो रहा है. मतलब आधा काम हो गया? मैं अभी उस लड़के के घर के पास ही हूँ. लड़का कहाँ है? मेरे बाजू में ही है. ओह ऐसा क्या? नाम क्या है? Excuse me? What's your name? Sam. हाँ? Sam. हाँ. शिव शंकर सागर. उफ. क्या करता है वो? मैं जो कर रहा हूँ वो भी वही कर रहा है. What? Excuse me? What you doing? What? Can't you see what I'm doing? Sorry. What you do for living? I'm an assistant engineer in New York, sanitation department. Okay. Assistant engineer in New York in sanitation department. अच्छा, वहाँ से water का sound क्यों आ रहा है? लड़के के घर के सामने leakage problem है. अच्छा वो छोड़ो, तुम कहाँ पर हो? वहीं leakage के पास. Just turn around and you can find me. What? Yeah. Hello, Vicky. Oh, my God. Shit. Muthu Krishna, ये है प्रमिला. प्रमिला, ये है मुथु कृष्णा. Hi. CEO of Orange Computers. Oh, really? Yes. Yes. And 25 grand salary. Really? Yes. Smoking, drinking, partying, pubbing, ये कुछ भी नहीं करता. 100% शुद्ध हस्बैंड टाइप मटेरियल है. तुम्हें यकीन नहीं होगा, लड़कियों की तरफ ये बिल्कुल नहीं देखता. क्यों यकीन नहीं होगा? वो तो दिख ही रहा है. So, he's lucky for you. How can you do this to me? क्या हुआ? यही कि तुम तो सुबह जिम जाओगे, शाम को पार्टी, क्लब वगैरह में मजे करोगे, और मेरा क्या? मेरी लाइफ तो गई. वो 6:30 बजे तक घर आएगा, 8 बजे तक खाना खाएगा, और मेरी तरफ देखे बिना बिस्तर पे सो जाएगा. ऐसा क्या? और क्या, तुम तो हाय गाइस, ड्यूड ऐसा करते रहोगे, और मैं ए जी सुनिए जी यही करती रहूंगी. साफ साफ दिख रहा है मैंने तुमसे फरारी मांगी और तुम पुरानी गाड़ी पकड़ा रहे हो. हाँ, सही है. नहीं है, वो मुझे ठीक से देख भी नहीं रहा. अगर वो इतना ही शर्माता रहा तो फिर बच्चे कैसे होंगे? डू यू थिंक ही इज सूटेबल फॉर मी? नो नो, ही इज नॉट अ परफेक्ट मैच फॉर यू. प्रमिला, ये डैनिश है. डैनिश, दिस इज प्रमिला. हेलो. ही इज द मोस्ट हैपनिंग डीजे इन न्यूयॉर्क एंड परफेक्ट डूड फॉर यू.
अगर तुम इससे शादी करोगी तो पब पार्टी सारी चीजें फ्री, बहुत मजे करोगी। एंड यू नो व्हाट, इसकी लाइफ शाम को 6 बजे के बाद खत्म नहीं, स्टार्ट होती है। या यू आर राइट। मेरे बारे में जानने के लिए सिंपल है, सिर्फ एक ही लाइफ है, सो लिव हैप्पीली। सुपर्ब, थैंक्स ब्रो। हे, मैं 5 बजे तक उठ जाता हूँ। इतनी जल्दी? अरे देखो ना, जिम भी जाता है। नो, जब तक मैं फ्रेश होता हूँ, रेडी होने वाला होता हूँ, रात हो जाती है। स्ट्रेट अवे आई विल गो टू अ पार्टी, अदरवाइज इन अ पब इवनिंग। या लेकिन सच कहता हूँ, स्मोकिंग तो ये बिल्कुल करता रहेगा। विकी, तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आई क्या? इसलिए तो इतने सारे लड़कों को ढूंढ रहा हूँ। लड़के ऐसे? हाँ। ओह नो, मैं सुबह सुबह जब ऑफिस जाऊंगी ये सोया रहेगा और घर लौटने पर ये बाहर जाएगा। इससे तो वो मुत्तु कृष्णा ही बेटर था। आँख उठाकर नहीं देखता तो क्या, मेरी आँखों के सामने तो रहेगा। बट बच्चा होना मुश्किल है। एडॉप्शन का भी तो ऑप्शन है। ओके, तो फिर उस मुत्तु कृष्णा को फिक्स कर दूं। तुम्हारा मॉडल कर दूंगी। जाने दो यार, मार्केट में मॉडल्स की कमी नहीं है, दूसरा मिलेगा। वेट करेंगे तो और अच्छा मिल सकता है। लड़की के लिए लड़का ढूंढना, अच्छा पति ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है विकी। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये घर देखने आया था। आपके घर वालों को देखा और साथ ही साथ आपको भी देख लिया। मुझे पता चला कि आप अर्जेंटली शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हैं, तो मैं सही समय पे सही जगह आ गया। रमीला, ये सर यहाँ नए नए आए हैं, मैसूर से आए हैं, अपने भारत से, संगीत विशारद भी है। वो अच्छे के लिए बदलाव लाना अच्छी बात होती है। ये घर अच्छा लगा आपको? ये घर थोड़ी है, ये तो भारत का मंदिर है। यहाँ न्यूयॉर्क शहर में ऐसी फैमिली के साथ बैठ के चकली, नमकीन, कलाकंद, बालूशाही, जलेबी खा रहा हूँ। आई एम ग्रेट। ए लकी, तू बहुत लकी है रे। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। आंटी कहा? आंटी कहा? अंकल आपका नाम क्या है? आई हेट एनीवन कॉलिंग मी अंकल, कॉल मी लकी। लकी? आपके बेटे का नहीं, आपका क्या नाम? मेरा नाम है शैतान बच्चा है। ऐसे बच्चों से घर में रौनक रहती है, इस रौनक को बढ़ाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। कौन से जमाने का? भविष्य बताने के लिए ही। यस, बहुत जल्द ही इस फैमिली के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दामाद आने वाला है। क्या दामाद? यस जो तुम्हें सूट करेगा। क्या आप ज्योतिष भी हो? वो भविष्य मैं हूँ। बुलशिट, न्यूयॉर्क में तुम्हारा भविष्य कौन सुनेगा? ऐसा क्यों, न्यूयॉर्क में क्यों भगवान को नहीं मानते, भविष्य को नहीं मानते? अरे रुको प्रमिला, दामाद के बारे में जरा पूछते हैं। वो नहीं माँ। हाँ प्रमिला, अपनी आँखें बंद करो। हाँ प्रमिला, अब बताइए कि दीदी का हस्बैंड कैसा होगा? वो देखने में एक हीरो होगा, हीरो जैसा होगा। वो सामने आएगा तो थ्रिलिंग होगा। वो स्माइल करेगा तो अलग फ्लेवर होगा। पंच मारेगा तो पावर दिखेगा। हे, पूरा इंडिया उसके ऊपर फिदा फिदा है। क्या कहा? ऐसा लड़का हमारे घर का दामाद बनेगा? हाँ बिल्कुल आएगा, बस आपकी बेटी को हाँ कहना है। आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही दामाद मिलेगा हमें, तो आपसे हम घर की पूजा करवाएंगे। जरूर करवाएंगे। थैंक यू। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मेरे सामने किसी को भी बैठने दो, उसके दिल में क्या चल रहा है मैं इजीली बता सकता हूँ। हाँ, दैट्स OCD। OCD? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपने अपने कप को अगर थोड़ा इस तरफ घुमाया, दैट्स द साइन ऑफ बीइंग वेरी क्लीन। आपको हमेशा क्लीन रहना पसंद है और ये अच्छी बात भी है। ओह गॉड, दैट्स GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। यू आर लुकिंग फॉर कंफर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, हैबिट इज द एटीट्यूड, एटीट्यूड इज द कैरेक्टर,
और कैरेक्टर से कंपैटिबिलिटी का पता चलता है। इसे ही देख लीजिए, मैंने एक क्यूब शुगर डाला, प्रमिला ने भी एक क्यूब शुगर डाला, सो वी आर मैचिंग, बट आपने दो क्यूब शुगर डाले, सो वी आर नॉट अ परफेक्ट मैच, राइट? मैं एक मर्द हूँ, हम दोनों का मैच कैसे होगा? एक्चुअली मैं दूसरा क्यूब डालने ही वाली थी, इतने में आपने बोलना शुरू कर दिया, हियर्स द सेकंड क्यूब। मतलब तुम इनके साथ मैच होना चाहती हो? नो नो, टू क्यूब्स आर वेरी बैड फॉर हेल्थ। ओह बॉस, माय नेम इज बोस। इस मैटर को यही खत्म करो ना प्लीज। ओके, इफ नॉट शुगर देन लेट्स टॉक अबाउट फिगर। सॉरी, बैड जोक। लेट्स डिस्कस प्रैक्टिकली, अगर हम दोनों मिलकर लाइफ को एक साथ लीड करना चाहते हैं तो सोशल, इकोनॉमिकल और फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है। फिजिकल? या बोस, किसी दूसरे टॉपिक पे बात करो ना। एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ मिलकर एक लिस्ट बनाते हैं और वो लिस्ट हम दो दिन साथ रहने के बाद बनाएंगे। एक पेपर लेकर उसमें डिस्कस करने वाले पॉइंट्स लिखेंगे, हमारी पसंद, इमोशनल, कॉमिकल। तुम्हारी तो नहीं 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 अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, क्या कर रही हो? How can you get these guys for me? मुझे मार दोगी तो तुम्हारी शादी कौन करवाएगा? वो छोड़ो, अगर तुम जेल जाओगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? तुम्हें कैसा लड़का चाहिए बोलो? Love me, oh baby, kiss me or call me, oh darling, please do something to me. Ah do 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 do, ah do 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 do, ah do 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 do. बस इसी की कमी थी। Oh baby, I love you. वीडियो क्लोज किया तो क्या हुआ? ऑडियो में तुम तक पहुंचा के रहूंगा। मेरी बातें तुम्हें समझ में नहीं आई तो क्या? म्यूजिक से अपना प्यार तुम्हें बताऊंगा। हीरो जैसे गाना गा के अपने प्यार को बयां करता है, मैं बजा के प्यार का इजहार करूंगा। यस। लव मी और हेट मी, किस मी और किल मी, और डार्लिंग प्लीज डू समथिंग टू मी। अमेरिका में गाना गाना अपराध है क्या? सॉरी सॉरी। There's a complaint about you. You're creating nuisance in this building. Sorry. I'm getting my mood. No, come to the police station. Police station? अरे, love जाहिर करने के चक्कर में लोगों के अंदर जाना पड़ेगा। I'm sorry sir. वो क्या है कि मैं अमेरिकन और इंडियन सम्मेलन के लिए प्रिपेयर कर रहा था। What? You don't know about this? Where all Indians meet? Can you get a confirmation? अरे confirmation? अमेरिका में कहाँ से दूँ? अरे बाप रे, मम्मी, मम्मी, मम्मी। Please open the door. Please. हो गया तुम्हारा गाना बजाना? तुम आ गई? अगर तुमने नहीं बजाया तो ये लोग मेरी बैंड बजा देंगे। Please, इंडियन का मुंह देख के मुझे बचा लो। Please, please. Officer, I know him. Are you telling the truth? Yeah. Okay. Let's go. Saying truth? Thank you. आपकी प्रॉब्लम क्या है? हमारी जोड़ी मैचिंग नहीं है। ये बात तो उसको बताना चाहिए। कौन? विक्की। विक्की? प्लीज हाँ? घोड़े के ऊपर अगर तुमने बैट नहीं लगाया तो एक बार मैच में घोड़े को भागने का मौका तो दीजिए। प्लीज एक मौका सिर्फ। ओके। Yes. मुझे देखते ही थ्रिल हो गए क्या? That is lucky. इस नाम के लिए बहुत लोग पीछे पड़े हैं। इस फिजिक को देखते ही लड़कियां हो जाती हैं फ्लैट, इंक्लूडिंग मिस अफ्रीका।
वो क्या है ना कि मेरी माँ को अमेरिकन बहू चाहिए, इसलिए एरोप्लेन में अफ्रीकन को छोड़ दिया। यस, कैसा लगा? तुम तो फियर फैक्टर वाले हीरो हो ना? हाँ, वो कहीं टीवी में देखा था, थोड़ा सा याद आया। हाँ, आई लाइक योर स्टंट्स। हाँ, अच्छा वो रियल है या फेक है? यस मैं या या आ ये रियल था या फेक था? इतने जोर से मारती पूछता। रियल है, रियल है, रियल है। तो फिर वो भी रियल था? सीरियस कॉमेडी। अच्छा अच्छा, इंटरव्यू के लिए फुल प्रिपेयर होकर आया हूं। मेरे 10th क्लास के एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम है। उम्र कितनी है तुम्हारी? लाइफ में आंसर नहीं देने वाला, ये एक ही सवाल है। बर्थ सर्टिफिकेट का तो मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिया। आई एम सॉरी। हां, तो मैं फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे दे दूं? मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? आई एम ऑलवेज फिट यार, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। चाहिए तो चेक कर लो। एकदम फिट हो ना? चलो देखते हैं। क्या हुआ भाई? सब जगह से हवा निकल रही है। आई यू ओके? आई एम ओके। अचानक दो गाड़ियों से टक्कर लगने के बाद जो गैस क्रिएट होती है ना, वो ऐसा ही लग रहा है। आई एम ओके। आई एम ओके। अब सीधे मैटर पे आते हैं। हाँ वही ठीक। आपको अमेरिकन लड़की ही क्यों चाहिए? वो हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है सर। मेरे दादा ने उस जमाने में पुर्तगीज लड़की के साथ, वैसे ही मेरे पापा ने लंदन की लड़की के साथ एरोप्लेन में ही सेटिंग की थी, यू नो। उसी तरह मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट की लड़की को पटाऊं, ऐसी मेरी माँ की ख्वाहिश है और परंपरा भी कायम रहेगी। इसका मतलब प्रेसिडेंट की बेटी के साथ शादी करने के लिए आई ही थे, तभी तुमसे अचानक कहीं पर प्रमिला टकरा गई। यस यस यस, यू आर 100% करेक्ट। प्रमिला के लिए तो जान भी दे देगा ये लकी। वो तो आगे मैं ही ले लूंगा। अभी आपको आगे की परंपरा बढ़ाने के लिए प्रमिला चाहिए। यस, आपने कितनी सही बात पकड़ी है सर। शी इज वेरी लकी टू हैव दिस लकी। ए भाई, हमारी जोड़ी को अगर आप ओके कर दे तो इंडिया जाने से पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री में जरूर कुछ दूंगा, पक्का मैं प्रॉमिस करता हूँ। मगर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री तो कुछ अलग ही है। अच्छी बात है। आप भविष्य भी बताते हैं ना? हाँ हाँ, मैं ही बताता हूँ। यस, आगे क्या होने वाला है पता है? अरे छोड़ी छोड़ी छोड़ी, मालूम पड़ गया मुझे, मालूम पड़ गया। समझ गया। वो क्या है ना कि मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था, अभी सही काम करने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 100% लव में अभी कितना परसेंट लव बचा है? सिर्फ 50% बचा है सर। चलेगा चलेगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। लव मैटर में ये सब मामूली है। एवरीथिंग इज लव इन लव एंड वॉर। लव करने की औकात नहीं है, वॉर करेगा सर। मैं तो वॉर करी बात तो तुझे। अरे क्यों मार दिखने में एक नंबर का पूछू लगता है। अरे मेरी, अरे सर, अरे सर 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 सर, क्या कर रहे हो सर सर सर? तेरी शक्ल देखकर लड़कियां फ्लैट हो जाती हैं। नहीं सर, अबे ढक्कन, बेहोश हो जाती होंगी। तेरा पागलों का खानदान बढ़ाने के लिए तुझे प्रमिला चाहिए? प्रमिला चाहिए? प्यार करता हूँ कह के उसे टॉर्चर कर रहा है। सर 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 सर, 100% प्यार में से सब निकल गया, 90% चला गया, अभी बचा सिर्फ 10%। वो 10% भी खत्म हो जाएगा अगर आप मुझे पासपोर्ट लेके एयरपोर्ट जाने की इजाजत दे दे तो। अगर अगली बार तू यहाँ पर दिखा ना, इंडिया नहीं देख पाएगा। नहीं दिखूंगा सर, समझ गया, छोड़ दीजिए सर। कौन है रे बाबा? हो गया इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या, इंट्रोगेशन हो गया रे बाबा। बात कम करता मारता ज्यादा। प्रमिला जी, जो पहले पूछना चाहिए था वो लास्ट में पूछ रहा हूँ, ये विकी कौन है? मेरा लवर है। प्रमिला, शाम को 5 बजे तुम्हें देखने के लिए एक लड़का तुम्हारे घर आने वाला है। मेरे घर? साथ में तुम और तुम्हारे फैमिली वालों ने उसे देखकर डिसाइड कर लिया तो हम बहुत जल्द मुहूर्त फिक्स कर सकते हैं। उसका नाम क्या है? सचिन, इंडियन, वर्किंग इन न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। हाउ डू आई गो टू डोर नंबर 9? आर यू सचिन फ्रॉम न्यूयॉर्क क्राइम डिपार्टमेंट? यस।
लड़के के आने का टाइम हो गया है, सब कुछ तैयार है ना? हाँ 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 सब तैयार है। जल्दी करो जल्दी करो, साफ करो साफ करो, सब कुछ साफ होना चाहिए। जल्दी कीजिए, शायद वो लोग आ गए। दरवाजा खोलो, मैं देखूं। दरवाजा खोलो, जाओ बैठिए। You are Sachin NYPD, right? बैठिए। लीजिए सर, लीजिए ना, लीजिए लीजिए लीजिए, खाइए। वो क्या है कि मैं हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हूँ। आई डोंट ईट स्वीट्स टू मच। वाह क्या बात है। लगता है थोड़ी उम्र ज्यादा है। क्यों? इतना ही नहीं, बैक फ्लैट है और फ्रंट फैट है। सर ये शुगर फ्री से बना है, आपके लिए खास बनाया है सर, खा के तो देखिए। इससे आपके प्यार से मेरा वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। क्या मैं एक बार उनसे मिल सकता हूँ? इनकी उम्र तो ज्यादा लग रही है। हाँ माँ जी, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। क्या है ना, ड्यूटी कम्स फर्स्ट, तो जरा उन्हें बुलवा दीजिए ना। अरे अभी बुला लेते हैं। प्रमिला कॉफी लेके आना जरा। कॉफी? कॉफी बिल्कुल नहीं, अभी स्वीट खाया है ना, अगर थोड़ा सा पी के देखिएगा। जरा पेट तो देखो इनका, बॉडी से बाहर निकल रहा है। आ गई आ गई। आओ प्रमिला, कॉफी लीजिए ना, कॉफी ले। थैंक यू, यू आर वेलकम। वो तो पहले ही हो चुका है। लड़का बड़ी कॉमेडी करता है ना। अच्छी कॉमेडी करता है, अपने साथ अच्छी जमेगी इसकी। कॉमेडियन? क्या लड़की पसंद आई आपको? इज शी ओके? हाँ बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आपके माता पिता क्या करते हैं? हाँ माता पिता तो हैं, लेकिन फ्रेम में एडजस्ट हो चुके हैं, पर अभी दीवार पर नहीं लटके। बहुत अच्छी बात है, अगर वो भी आते तो यही रिश्ता पक्का हो जाता। अब इतनी छोटी सी बात के लिए वो यहाँ क्यों आएंगे, उन्हें वहीं रहने दीजिए। बाथरूम कहाँ है जरा बताएंगे? क्यों मेरी बेटी को बाथरूम में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दिखाएंगे क्या? बाथरूम में मुझे जल्दी काम निपटाना है, कहीं और भी जाना है। मैं? मल्लिका बाथरूम में? मल्लिका बाथरूम में? तो प्रॉब्लम क्या है, आप बाथरूम दिखाइए, मैं अपना काम खत्म करके चला जाऊंगा। आप ऐसे घूर क्यों रही है? क्या हुआ, कुछ गलत कहा? व्हाट हैपेंड? तुझे बाथरूम तक क्यों? जी हाँ, पर दिखा दो ना। अरे रुकिए ना। यहाँ आते जो आप लोगों ने इज्जत दी थी, मैं समझ गया था कि आप ये सब खिला करके मेरी इज्जत उतारने वाले हो। बिगनिंग वॉज साइलेंट बट एंडिंग इज वायलेंट। आप ही मुझे एक बात बताओ मैडम, अगर घर पर प्लम्बर आएगा तो वो बाथरूम में जाकर नहीं देखेगा तो क्या बेडरूम में जाकर देखेगा? ये कहाँ का इंसाफ है? NYPD कहा, इसका मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं हो? पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, प्लम्बिंग, प्लम्बिंग डिपार्टमेंट। मैं भी गलत रूम में घुस आया था। विकी तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्यों क्यों मतलब प्लम्बर या कारपेंटर, तुम्हें लगता है कि कोई भी चलेगा? मेरा गला काट कर तुम आराम से जीना चाहते हो, है ना? अब क्या हुआ? सचिन पुलिस वाला नहीं, प्लम्बर है। वो प्लम्बर है? यस। ओ, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई होगी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ओके? यस, प्लीज डू। प्लम्बर, इट्स अ प्रॉब्लम। हाय विकी। या हाय सचिन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? थैंक्स। सिट सिट, टू कैपुचिनो प्लीज। आई एम सो सॉरी विकी, आई गॉट हेल्ड अप विद लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, आई कुडंट मीट हर। नो प्रॉब्लम मैन। In fact, Pramila should be here any minute. Really? Generally, वो बहुत ही punctual है। Uh-huh. That's good. वो लग रहा है कहीं पर traffic में फंसी होगी। Anyway, Pramila कितनी अच्छी लड़की है पता है?
मुझे तो सच में वो बहुत पसंद है। उसकी फैमिली बहुत ही कल्चरल है, वेरी ट्रेडिशनल। इनफैक्ट जब मैं उससे पहली बार मिला था ना, तो आई वॉज टोटली शॉक्ड। न्यूयॉर्क में ऐसी लड़की होना तो मुमकिन ही नहीं है। रियली रियली इंटरेस्टिंग। तुम्हें एक और बात बताता हूँ, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी जरा सा भी ईगो नहीं है, और किसी पर डिपेंड रहना उसे जरा भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैंने ही उसे दो बार इंटरव्यू के लिए ड्रॉप किया है। पहले तो वो बहुत ही डरती थी, लेकिन मुझसे मिलने के बाद उसका डर पूरी तरह निकल गया। उसके बाद मैं ही उसे एडवेंचर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए लेकर गया था, एंड गेस व्हाट, वहां पर भी हम दोनों ही विनर थे। तुम उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो ना? यस, वही प्रमिला। सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है, एक्सट्रीमली फ्रेंडली एंड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, गुड एट हर्ट। वो प्रमिला द चैंपियन, वही ना जिसे तूने उस कॉम्पिटिशन में किस किया था? इंटरनेट, न्यूज़पेपर, हगिंग, किसिंग, लाइव टेलीकास्ट। बट यू आर राइट विकी, फ्रेंड्स कहकर लड़की के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना हर लड़का चाहता है, पर कोई भी कल्चरल फैमिली ये होने देगी मुझे डाउट है। बट यू नो व्हाट, शी इज गॉट अ गुड टेस्ट, दैट्स व्हाई शी इज चोजन यू। सचिन, विकी, अगर सबके सामने तो उस लड़की को किस कर सकता है, तो पीठ पीछे उसके साथ क्या क्या किया होगा? हाँ वॉट विकी, खाने का मजा तुमने लिया और बिल मुझसे भरवाना चाहते हो? ओके, बिल मैं भर दूंगा, इफ यू डोंट माइंड। एक सुपर आइडिया है, एक बार मुझे भी चख लेने दे। थैंक यू, मैं भी तो देखूं जायका बचा है या नहीं, क्या कहता है? बोलना हम 3 साल में सीखते हैं, लेकिन कैसे बोलना है ये सीखने के लिए पूरी लाइफ लग जाती है। एक बात जान ले, बात ऐसी करो कि दिल को छू जाए, ना कि खून खोल जाए, स्पेशली जब लड़की की बात हो। चलो प्रमिला चलते हैं। विकी। हाँ दादा। ये बता, तू प्रमिला के लिए लड़का ढूंढ रहा है क्या? उस वजह से मुझे एक बात पता चली, मेरी वजह से, मेरी फ्रेंडशिप की वजह से प्रमिला की लाइफ, उसका कैरेक्टर पूरा बर्बाद हो गया है। तो फिर अभी तू करना क्या चाहता है? प्रमिला की शादी की बात को मैंने एक मजाक समझ के लिया था, अभी आगे से बहुत ही सीरियसली लेना होगा। मतलब आईसीयू में सोचेगा क्या? आप कौन है? कुमार स्वामी। आपका कैरेक्टर क्या है? मैं तो कभी कभी बात करने वालों में से हूँ। अभी इस तरह से बात को गलत तरीके से मत कहिए। ओके दादा, आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो बता दीजिए। सिर्फ अच्छा ही नहीं है, बहुत अच्छा है। मालूम है वो लड़का मेरी नजरों में क्या है? गोल्ड है, गोल्ड। लक्ष्मी गोल्ड है या साई गोल्ड है या फिर कल्याण गोल्ड? कोई नहीं, मालाबार गोल्ड। ओ प्लीज, कौन है वो? तू ही तो है। दादा प्रमिला डायमंड है, इसीलिए तो गोल्ड में नगीना लगाने के लिए कह रहा हूँ। ले देकर मैंने भी आप ही को बताया। इसे ना तो प्यार क्या है ये मालूम है, और ना ही उसकी कीमत मालूम है। दादा प्लीज, दादी बुला रही है, जाइए जाइए। क्या जाता हूं। प्रमिला? अशोक! ओह माय गॉड अशोक, व्हाट अ सरप्राइज! ओह माय गॉड प्रमिला, तुम न्यूयॉर्क में? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मैसूर से भी अचानक गायब हो गए थे, यहीं पर आ गए थे क्या? मुझे 2 महीने हो गए, वो जगह तो बदल गई, मगर काम वही है, सर्च अप जॉब। एंड यू? तुम नहीं बदले अशोक, लेकिन तुम बदल गई हो। तुम बात करने से भी डरती थी, लेकिन अब देखो कितनी कॉन्फिडेंट हो गई हो। थैंक यू। ओह गॉड, आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क। टैक्सी। अशोक,
अपना नंबर बताओ, I'll give you a call. Yeah. Let's meet out. Yeah. No, no, no. It does not work. So we have 3 waves, and I think you should reconsider it. Ashok. Hi. What a surprise. Do you know each other? Catch you later. Okay. अच्छा, सिक्योरिटी वाले ने तुम्हें अंदर आने दिया था ना? मैं विजिटर नहीं हूँ, कोलीग हूँ. What? कोलीग? I can't believe this. मुझे भी नहीं हुआ था. 10 मिनट पहले इंटरव्यू हुआ, 5 मिनट के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल गया. Now I am on duty. Well, just small सुना था, but तुमसे मिलने के बाद, it's too small, isn't it? मैं तुम्हारे लिए ये खुशी की बात समझूं या फिर दुख की बात समझूं? फिलहाल तो खुशी हो रही है. Oh, thank you. Yeah. माँ, क्या बात है? यकीन नहीं करोगी, मैं कल ही अपने पुराने दोस्त अशोक से मिली और आज वो मेरे ही ऑफिस में मेरा कुलीग बन गया है. कौन सी बड़ी बात है, 10 मिनट पहले ही वो हमारे फ्लोर के ऑपोजिट फ्लैट में रहने आया है. अशोक. हाय प्रमिला. हाय अशोक. वेलकम. हे, हैव सम चॉकलेट्स. ट्राई वन. नो थैंक्स. पहले मुझे एक बात बताओ, आर यू फॉलोइंग मी? ऑफ कोर्स प्रमिला. 24 आवर्स पहले ही मैं तुमसे मिला. जिस कंपनी में तुम जॉब कर रही हो, तुम्हारी बगल वाली सीट पर मैं बैठ गया और अब तुम्हारे सामने के फ्लैट में रह रहा हूँ. फाइनली, दिस इज अशोक फॉर यू. कुछ लोग मेरी तेजी देखकर मुझे सुपरमैन ना कह दें. लेकिन सच क्या है पता है? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल पर्सन लाइक मी. वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसे हर जगह तुम्हें देखकर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ. ओके, इस न्यूयॉर्क में मैं ही तुम्हारी फर्स्ट फ्रेंड हूँ, तो शाम को मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी. ओके, दैट्स ग्रेट. स्पेशली विकी. ये कौन है? स्पेशल वाला दोस्त. ओके. बाय द वे, दिस इज अशोक. हाय. दिस इज नंदू. हाय. पप्पू. वासी. फाइनली विकी. नमस्ते. स्पेशल. यस. एंड ही इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड फ्रॉम मैसूर. हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे. ओह रियली? प्रमिला ने तुम्हारे बारे में कभी बताया नहीं? ओह, ऐसा है क्या? अशोक वहां से गायब हो गया था और सीधा यहां मिला. वेलकम टू न्यूयॉर्क अशोक, एंड स्पेशली टू आवर गैंग. थैंक्स बॉस. थैंक्स. उसका मीनिंग नहीं बताया क्या इसे? वो क्या है? Hey, वो बहुत बड़ी कहानी है. एनीवे, दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन. माउथ माउंटेन्स, हियर वी कम. सुपर, लेट्स गो, कम ऑन. थैंक्स विकी. वो क्यों? सभी लोगों के बीच तुमने ऐसा एक्ट किया जैसे मुझे जानती नहीं, उसके लिए. तुमने भी तो मेरी बात मानी है. मैं और करता भी क्या, इंडिया में बेकार बैठा हुआ था. न्यूयॉर्क बुलाकर प्रमिला के ऑफिस में ही नौकरी दिलवाई. रहने के लिए घर, घूमने के लिए गाड़ी, और इन सबसे बड़ी चीज उसके साथ मेरी शादी करवा रहा है. अगर यह काम मुझे करना होता तो कई साल लग जाते. तुमने इसे 12 दिन में कर दिया. प्रमिला के तुम दोस्त हो, यह उसका नसीब है, और वो मुझे मिल रही है, यह मेरा नसीब है. सबकी तकदीर लिखने वाला वो है, लेकिन मुझ जैसों की तकदीर बदलने वाला तू है. हो अशोक, अब बस भी करो. ये मेरा ही प्लान है, यह प्रमिला को पता नहीं चलना चाहिए. ओके. अरे ये क्या है, तुम लोग साइलेंट क्यों बैठे हुए हो? विकी, अंताक्षरी खेलते हैं ना? अंताक्षरी तो लोग तुम्हारे दादा दादी के टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं. कुछ और बता ना. म्यूजिकल चेयर खेले क्या? वो आंटीज के साथ खेली जाती है. ओके ओके, लिसन, ये सब छोड़ो, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है. ओके, लेट्स प्ले अ कन्फेशन गेम. देखो, गेम कुछ ऐसा है, आज तक जिंदगी में किसी को भी नहीं बताया हुआ वो एक सच आज बताना है. सुपर आइडिया. विकी, मैं ही शुरू करता हूँ. हाँ, कम ऑन. जब मैं 8 साल की उम्र का था तो मेरे मम्मी और डैडी सब्जी लेने के लिए मार्केट गए हुए थे. जब मेरे डैडी सब्जी लेने में बिजी थे, मुझे जोर की लगी थी, तो मैंने डैडी से पूछा, डैडी मैं यही पास में शुरू हो जाऊं क्या? नो, बिल्कुल नहीं. तो पापा, मैं वहां किनारे पे कर लेता हूं. नो, नो कहते कहते वो मुझे घर तक ले आए. मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आया. घर पहुंचते ही मैं बाथरूम की तरफ भागा. जिस बकेट से डैडी नहाते थे उसी बकेट में मैंने, उसके बाद मेरे डैड ने 2 बार मुंह धोया. गंदा कहीं का. ओके, मेरी कन्फेशन की बारी. हाँ, बोलिए. सभी बच्चों की तरह
मैं भी बचपन से मैगी खाते ही बड़ा हुआ हूँ। मैगी खाते खाते मेरे मन ही मन में मुझे मैगी से प्यार हो गया। मैगी से? वो कौन है? ये है ना। मैगी नूडल्स। मसाला मैगी। मुझे भी बचपन से पता नहीं क्यों पर आलू पसंद है। रोड पर कोई बेचता है तो 4-5 लेकर खा ही लेती हूँ। 4-5? तू सच में बेवकूफ है लेट लतीफ। हाँ? मैं भी 4-5 सालों से तू कब मुझे आई लव यू कहेगा यही सोच रही थी। एटलीस्ट आज तो तूने बताया। आई लव यू टू। अरे यार, ओ गॉड, थैंक यू। अशोक, अभी तुम्हारी बारी। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उससे ही शादी करना चाहता था। कौन है वो लड़की? बात सिर्फ एक सच बताने की हुई थी, वो मैंने बता दी। स्मार्ट आंसर। थैंक्स विकी, योर टर्न। मैं प्रमिला के लिए एक बहुत अच्छा सुपर कूल लड़का ढूंढ चुका हूँ। वाह सुपर विकी, कौन है वो? कम ऑन टेल मी हु इज इट। अशोक ने जैसे कहा एक ही सच। What do you say? अरे वाह वाह बेटा, बहुत चालाक निकला। Okay. अच्छा सुनो प्रमिला, it's your turn. Yes, प्रमिला, your turn. Hey, come on, प्रमिला, हमने बता दिया, सबने बताया है। No. चुप मत रहो, बोलो, तुम्हें बोलना होगा प्रमिला। अरे, अरे बारिश हो रही है, बारिश आ रही है, चलो चलो चलो, चलो जल्दी आओ, चलो जल्दी। Hey, come on, प्रमिला। मैं अभी वही हूँ, विकी से ही हमेशा प्यार करती रहूंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती विकी। हे प्रमिला, कम। या। ये क्या? न्यूयॉर्क में अचानक बारिश शुरू हो गई? हाँ, यहाँ का वेदर हमेशा ऐसा ही रहता है, कुछ कह नहीं सकते। तुम्हारे पापा का बिजनेस कैसा चल रहा है? इट्स गोइंग वेरी वेल। ही डज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये लो। Hi, आंटी। हे प्रमिला, इतने दिनों से क्यों नहीं आई? आने की क्या जरूरत है, आपके दिल में बसती हो ना। स्वीट। हे विकी ऊपर है। गो गो गो। हाय राहुल। हेलो दादाजी, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। विकी अपने कमरे में है। प्रमिला, आंखें बंद करने पर और खोलने पर तुम ही नजर आती हो। प्रमिला, प्यार क्या होता है मुझे नहीं पता था। हां, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पता चला, प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को जानना नहीं, एक दूसरे की सोच भी एक जैसी होनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। मैं प्यार के बारे में जितना भी कहूं कम है, एक्सेप्ट 3 वर्ड्स। I love you, Pramila. I love you from bottom of my heart. Just remember, अच्छे दोस्त ही सच्चे लवर्स बनते हैं. And I'll never hurt you. बस इतना ही तो बोलना है अशोक. अरे नहीं, मुझसे नहीं होगा. बोल दो ना. I'm really scared. डरो मत. अरे नहीं यार. डरने की क्या जरूरत है? मैं नहीं कर सकता. मैं हूँ ना साथ में. अरे तुम बोल दो यार. जरूर वो तुम्हारे प्यार को मान जाएगी और वो तुम्हारे घर पे जरूर आएगी। ओके? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? घर तक आना तो छोड़, वो बेडरूम के पास खड़ा है। बेडरूम की बात शादी के बाद करना, नॉट नाउ। बट वो आ गई है विकी। घर पे आने के लिए वो उसके ससुर का घर है क्या? विकी, हाँ पीछे देख। हाँ? देख। ओ, शिट। तुम अशोक को पहले से ही जानते थे? तुम्हारी सिस्टर पिंकी ने बताया था। इसका मतलब अशोक को इंडिया से बुलवाकर, एक्सीडेंटली अशोक से मिलवाकर,
मेरे ही ऑफिस में नौकरी दिलवाकर, मेरे पास में बिठाकर, सामने घर दिलवाकर तुमने इतना ड्रामा क्रिएट किया, किस लिए? ओह गॉड विकी। ऐसी बात नहीं है प्रमिला। तो फिर कैसा है विकी? मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया। मेरी खुशी के लिए मुझे क्या चाहिए, ये तुम जानते भी हो? इसमें जानने वाली क्या बात है प्रमिला? अशोक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, और वो एक ही ऐसा लड़का है जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। सो तुम दोनों की अगर शादी हुई तो वो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। अशोक से ही शादी करनी थी तो तुम्हारी क्या जरूरत थी, मैसूर में ही शादी हो जाती। जाने दो, अपने दिल पर हाथ रखकर, आंखों में आंखें डालकर कह सकते हो मैं उसके साथ सारी जिंदगी खुश रहूंगी? इतना भरोसा है तुम्हें? हाँ भरोसा है प्रमिला, वरना मैं उसे क्यों भला इतनी दूर से बुलाता और तुम दोनों की शादी की बात चलाता। ये याद रखना, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी धर्म या कोई गुरु की जरूरत प्यार को नहीं होती, वो अपने आप हो जाता है। तुम्हारे पीछे मैं प्यार के लिए आई, शादी के लिए नहीं। मुझे सिर्फ शादी से मतलब होता तो घर पर कह देती, वो मेरे लिए अशोक से भी अच्छा लड़का ढूंढ देते। पर मैंने तुमसे कहा, जानते हो ऐसा क्यों किया? ताकि उसी बहाने मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। I just wanted to be with you, Vicky. मेरे प्यार को तुम समझ नहीं पाए, फिर भी मैंने सोचा तुम्हारे अंदर का प्यार कभी ना कभी जागेगा। But it was just a waste. प्रमिला, प्लीज। Vicky, प्लीज, let me just speak. मेरी खातिर तुमने बहुत कुछ किया है, अब आखिर में एक हेल्प और कर दो। बोलो। तुम मेरी लाइफ से चले जाओ विकी, आज के बाद से मुझसे मिलना नहीं, मुझे दिखाई भी मत देना। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू एवर अगेन। व्हाट्स रॉन्ग विद यू प्रमिला, तुम क्या पागल हो गई हो? Hey! हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। अरे वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। तुम्हारे तो सिर्फ तीन ही गुड फ्रेंड्स हैं, आगे भी वो रहेंगे, पर मैं कभी भी तुम्हारी फ्रेंड बनकर नहीं रह सकती विकी। एनीवे, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, बाय। विकी, खाना खाने के लिए आओ। नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। मैं खाऊं या ना खाऊं, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाँ, व्हाई एवरीबॉडी इज बिहाइंड माय ब्लड? जस्ट लीव मी अलोन, ओके? माँ, सॉरी माँ। Your room is clean, but you are in a mess. Oh, Tagore, what a change. तुम्हारे ऐसे बदलने की वजह क्या है मैं नहीं जानता। खैर वो जो कुछ भी हो, उस वजह को कभी छोड़ना मत। हेलो अंकल। ओह, कैसी हो बेटी हो तुम? मैं ठीक हूँ। उसका मूड थोड़ा ठीक नहीं है, क्या बात है उसे खुद पूछ। ओके अंकल। ऐसे क्यों बैठे हो विकी, क्या हुआ है? नथिंग, कुछ भी नहीं। मैंने कभी भी तुम्हें इस तरह से नहीं देखा है। इन 16 साल की फ्रेंडशिप में तुमने कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं किया है, बट पप्पू पे, स्पेशली अपनी माँ पर गुस्सा किया, सही कहा ना? इतना ही नहीं, अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में यू आर द फर्स्ट वन टू कम फॉरवर्ड फॉर अ पार्टी, फंक्शन, एनीवन्स बर्थडे। किसी को भी कभी तुम भूले नहीं हो। मैं अभी भी नहीं भूला हूं नंदिनी।
विकी, क्या तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है? ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे प्रमिला. आज तुम मेरा नाम भी भूल गए, तो हमारे फ्रेंडशिप से भी बढ़कर एक रिलेशनशिप तुम्हारे दिल में है. वो लव के अलावा दूसरा क्या होगा? तुम भी यही बोल रही हो? जरा खामोश रहोगी? पर क्यों, मैंने जो कहा उसमें गलत क्या है? तुमने ही एक बात बताई थी, थोड़े लोगों को देखोगे, थोड़े लोगों से बात करोगे, तो उनमें से कोई एक ही तुम्हारे दिल में जगह बना लेगा, और उस जगह पर आज प्रमिला है. स्टॉप इट नंदू, जो फीलिंग दिल में नहीं है उसे बार बार बोल के मत जगाओ. ये फीलिंग तुम्हें नहीं है? एक लड़की के लिए तुमने इतना केयर और कंसर्न दिखाया, हमारी 16 साल की फ्रेंडशिप में मैंने ऐसा नहीं देखा. और तुम उसी के लिए लड़का ढूंढने निकले, लेकिन क्या ढूंढ पाए? वो उसकी लाइफ खराब ना हो इसलिए. ये बात है, तो तुम ही शादी कर लो. वो तुम्हारी तरह बस मेरी एक फ्रेंड है. लेकिन वो तुमसे प्यार करती है. मेरे दिल में प्यार नहीं था. मतलब अभी है? अभी भी ऐसा ही है. मेरा ओपिनियन चेंज नहीं हुआ, बार बार कहने के बावजूद दिल नहीं मानेगा. देखो, पहली बार मिलते हैं तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उसके बाद इच्छा होती है, नेक्स्ट इंटरेस्ट बढ़ता है, और फाइनली वो लव में बदल जाता है. नंदू, पहली बार उसे देखकर तुम फिदा हो गए. उसका बायोडेटा जानने के लिए उसके आसपास जाने की कोशिश की. ऑफ कोर्स आई लाइक्ड हर एंड आई स्टिल लाइक हर. और उसके बारे में बुरी बात की तो तुमने इंस्पेक्टर को बिना कुछ सोचे उसे मारा. Respect towards her. शादी के लिए दूल्हा ढूंढ रहे थे. Concern towards her. इतना सब होने के बाद वो लड़की तुम्हें मिलना मत, आना मत, देखना मत ऐसा बोल कर गई. That's why I'm upset about her. Then forget her. I can't. Why? Because I miss her. I really don't know what, Nandu. मुझे क्या हो रहा है मुझे खुद को नहीं पता चल रहा है. I think I miss her. I really miss her. मुझे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. I really, really miss her. Really missing her. इस मिसिंग की वजह क्या है पता है तुम्हें? वो तुम्हें बिना केयर करके गई वो नहीं है, तुमने उसकी केयर की, उस पर भरोसा किया, ये इसकी असली वजह है. कोई हमें मिस करता है तो दुख नहीं होता है, पर मिस करने पर बहुत तकलीफ होती है. जानते हो इसकी वजह क्या है? प्यार, लव. विकी, गो गेट हर. लेकिन उसने तो मुझे मिलने से मना किया है. तुम लड़कों का दिमाग ऐसा क्यों है? कब लड़की के दिल को समझोगे समझ में नहीं आता. अगर वो कुछ बोली है तो उसका मतलब कुछ अलग ही होता है. गो विकी, Go get her before it's too late. Hello. Hello, Vicky बोल रहा हूँ. Hi, Vicky. Hi. प्रमिला कहाँ है? फोन कर रहा हूँ तो वो रिसीव नहीं कर रही है. प्रमिला तो योगा क्लास में गई है. Good. Peter. Peter, come in. There's a red Ferrari. I suspect a lot of drugs in it. Stop the car. Get in. Okay, come on. Sir, I need your hands on the car where I can see them. Spread your legs. We have information that you're carrying drugs in this car. Hey, Sachin. क्या चल रहा है ये सब? Sorry, Vicky. पता चला है तुम्हारे कार में ड्रग्स हैं। कम ऑन, मैं क्यों ड्रग्स रखूंगा? मैंने भी इनसे यही कहा, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुन रहे। देखो, मुझे जल्दी से कहीं पहुंचना है, जल्दी से किसी से मिलना है। और अगर नहीं छोड़ा तो?
वाओ, व्हाइट फ्लावर्स, चॉकलेट्स। किसी लड़की से मिलने जा रहे हो? प्रमिला से मिलने जा रहे हो? क्यों, उससे प्यार करते हो क्या? लेकिन तू तो उसे किसी और के साथ सेट कर रहा था। आई मीन ब्रोकर बन के लड़के ढूंढ रहा था। अब क्या हुआ, उससे अब तक मन नहीं भरा? हाँ, कैसी है वो? हाँ, I don't know. प्रमिला दीदी को कुछ नहीं होगा अंकल. मिस्टर विकी वेंकटेश,
प्रमिला, तुम्हें एक बात बतानी है। अभी से आगे तुम्हें अकेले कभी भी रोड क्रॉस करने नहीं दूंगा। जब तक मेरी सांस रहेगी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। आई लव यू। प्रमिला, विक्की और प्रमिला, सुपर। पहाड़ चढ़ना आता है, कार चलानी आती है, बिल्डिंग बनानी आती है, लेकिन टाई बांधना आज तक नहीं सीखा। अगर सीख लेता तो तुम्हें इतने करीब से कैसे देख पाता। इतना प्यार करते हो। बताऊं? हाँ।